अभी आपको हम CC232 क्लासिक प्लस कनेक्ट कैसे करते हैं, इसको ऑन कैसे करते हैं, ये वीडियो आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, मॉडल है CC232 क्लासिक प्लस। इस मॉडल के साथ आपको एक पावर कार्ड मिलता है, ये प्लग एंड प्ले होता है। ठीक है, मशीन के साथ एक पावर कार्ड है। इस पावर कार्ड को कैसे कनेक्ट करते हैं मशीन में, अभी दिखाते हैं। इस केबल को यहाँ पे स्विच दिया हुआ है, इस स्विच में पहले कनेक्ट कर लेना है। ओके, कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे बगल में एक स्विच होता है, इसको ऑन मत कीजिएगा, ऑफ में ही रखिए। ओके, इसे कनेक्ट करने के बाद इस केबल को आपको इस मशीन में पीछे एक ग्रु दिया हुआ, मतलब एक जगह दिया हुआ है, यहाँ पे इस कार्ड को कनेक्ट करना है। देखिएगा यहाँ पे एक ग्रुप होता है, 3 पिन का एक ग्रुप होता है, यहाँ पे भी आपको 3 पिन दिखाई दे रहा है। ओके, आप इस कार्ड को ऐसा लगाना है, ऐसा लगाने से कनेक्ट होता है। ठीक है ना, आप इसको निकाल के यहाँ पे ऐसा उल्टा लगाएंगे तो नहीं लगता। ऐसा लगा के आप यहाँ पे ग्रुप, यहाँ पे होता है, देखिए यहाँ पे एडजस्ट होता है, ऐसा देखना है। ये देख लीजिए, इसको मैच करते ऐसा कनेक्ट कर लेना। ऐसा कनेक्ट करने के बाद यहां पे स्विच को ऑन कर लेना है। ऑन होने के बाद पीछे इस कार के बगल में एक स्विच दिया हुआ है, इस स्विच को ऑन करते हुए मशीन को ऑन करना है। जैसे ऑन होने के बाद आपको डिस्प्ले में नॉर्मल कंडीशन में ऐसा दिखेगा। ठीक है, थैंक यू।